आज मैं एक अपील करता हूँ, हमारा जो मुख्यमंत्री जी से है और हमारा देश का प्रधानमंत्री जी को। मैंने तो ट्वीट किया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, इंडियन मेडिकल काउंसिल को, प्लस हमारा प्रधानमंत्री को कि मुझे कोरोना की विरुद्ध में लड़ने के लिए एक मौका चाहिए। आप लोगों को तो मालूम है मैं बाबा अर्थचरण हूँ, उड़ीसा में रहता हूँ। आज से 9 साल हो गया मेरा डिवाइन ट्रीटमेंट चल रहा है, उड़ीसा नहीं, इंडिया नहीं, बाहर कंट्री में भी कर सकता हूँ, कर चुका हूँ। हमेशा मेरा पास, हम भुवनेश्वर में रहते हैं, आप देखा होगा मेरे वीडियो में, हमेशा 300-400 मरीज मेरे पास सुबह लाइन में खड़ा होते हैं। मेरे पास कुछ ऐसे मिराकल पावर है, डिवाइन पावर है, मैं कोरोना के खिलाफ इसको इस्तेमाल करना चाहता हूँ। अगर मुझे मौका मिले तो मैं करूँगा। आपको तो मालूम है हम कितने दिन कोरोना के डर से घर में छुप के बैठेंगे। कोरोना के डर से 2 महीना हुआ हम सब घर में लॉकडाउन शटडाउन में रुके हैं, लेकिन फ़ायदा क्या मिला? कोरोना कम हो गया है। कोरोना के लिए ना कोई दवा है ना कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक हमारा जो पहले जो महामारी आए थे, जैसे डेंगू हो, स्वाइन फ्लू हो, एड्स हो, अभी तक उनका कोई इलाज नहीं निकल पाया हमारा मेडिकल साइंस में। तो कब तक करने का निकलेगा वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन हम कितने दिन घर में छुप के रह सकते हैं कोरोना के डर से? जितना कोरोना से नहीं मरेंगे उससे ज़्यादा हम भुखमरी से मरेंगे। तो हम जो जब हमारा गवर्नमेंट कोरोना के खिलाफ आयुर्वेदिक का, आयुष का इस्तेमाल करते, क्यों दैवी शक्ति का क्यों नहीं करेगा? हम लोग को मालूम है हमारी जो भारत है मुनि ऋषियों का देश है, वहाँ सारी मुनि ऋषियाँ ऐसे ही डिवाइन ट्रीटमेंट करते थे। पहले किसी का कुछ होता था छू देते थे, वो ठीक हो जाता। मैंने 9 साल हो गया यही कर रहा हूँ, मेडिकल से वापस हुए आदमी को सिर्फ थोड़ा ब्लेसिंग देता हूँ, ठीक हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारा प्रिय मुख्यमंत्री जी से और हमारा प्रधानमंत्री जी से, मुझे एक मौका दीजिए। मेरे पास जो डिवाइन पावर है मैं कोरोना के खिलाफ इस्तेमाल करूँगा, यही मेरा रिक्वेस्ट है। अगर मुझे मिलेगा विदाउट एनी सेफ्टी मैं कोरोना रोगियों का सेवा करूँगा, ना कोई मास्क, ना कोई ग्लोव, ना पीपीटी। सिर्फ मैं, मुझे जहाँ भी ज़्यादा कोरोना की इफेक्टेड एरिया है, चाहे महाराष्ट्र हो, हमारे उड़ीसा का गंजाम हो, छोड़ दीजिए, मैं उनके काम करूँगा। अगर मेरे पास बात पर यकीन नहीं होता है तो आज जो लाइव चैंटिंग होगा, किसी भी कोरोना मरीज को सुना लो, इमिडिएटली उसका बुखार चला जाएगा, इमिडिएटली अच्छा लगेगा। मैंने आज ये दावा पे कहता हूँ क्योंकि मैं फ्रांस के एक लेडी का कोरोना ठीक कर चुका हूँ। आप मेरा फेसबुक पे देख सकते हैं, मैंने शेयर किया था एक 15-20 दिन पहले किए थे। छोड़िए उस बात को। आप लोग को आज बोला था मैं कोरोना के इग्नोस अच्छे करने के लिए चैंटिंग करूँगा, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी कोरोना बीमारी है, चाहे मेडिकल में हो, कोविड हॉस्पिटल में हो, क्वारंटाइन में, इसको सुनाइए, इमीडिएटली उसका असर हो जाएगा। एक दो बार, तीन चार बार, बार बार सुनाइए, इमीडिएटली उसको अच्छा लगेगा और